और अब बात नरसिंहपुर की, जहां राजमार्ग चौराहा इलाके में मां राजराजेश्वरी का 1 करोड़ कुमकुम कोटि अर्चन का विशाल आयोजन होगा। इसका आयोजन तेंदुखेड़ा विधायक संजय शर्मा की तरफ से किया जा रहा है। कार्यक्रम की तैयारियां करीब करीब अंतिम चरण में है। आयोजन में 1 लाख श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना है। रावतपुरा महाराज ने इस आयोजन में शामिल होने के लिए सभी लोगों को आमंत्रित किया है। विधायक संजय शर्मा ने बताया कि सुख समृद्धि और विकास के लिए यह आयोजन किया जा रहा है। पहले इस आयोजन में 15,000 लोगों के आने की संभावना थी, लेकिन अब संख्या 1 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है। प्रसन्नता की बात है कि नरसिंहपुर तेंदुखेड़ा ही नहीं पूरे संपूर्ण जिले में खुशी की लहर है कि भाई साहब 1 करोड़ कुमकुम अर्चन पूरा होने जा रहा है। कहां से प्रेरणा मिली और क्या कामना चाहते हैं? ये हमारे महाराष्ट्र राज्य सरकार जी के द्वारा महाराजा की कृपा से आज राजमार्ग चौराहे पे 4 जून रविवार पूर्णिमा के दिन 1 करोड़ के अर्चन का कार्यक्रम रखा गया है। क्षेत्र में सुख समृद्धि शांति रहे, लोग तरक्की करें, धार्मिक कार्य होने से निश्चित ही हमारे क्षेत्र में सुख समृद्धि बढ़ेगी। राजपुर सरकार की कृपा से एक भव्य आयोजन यहाँ पर रखा गया। आप हमेशा धर्म के कार्य मंत्री रहते हैं, लोग बड़ी प्रसन्नता करते हैं और आपके प्रति बड़े आभार व्यक्त करते हैं और आगे भी ऐसा आगे बेहतर होती रहनी है। हमारे माता जी पिताजी की कृपा से शुरू से हम लोग बचपन से धार्मिक कार्यक्रम हमारे घर पर होते रहे हैं। कथाएं भागवत हरिहर आश्रम में भी लगातार कथा भागवत सुनते हैं। तेंदुखेड़ा में हमारे गांव में भी पिछली चतुर्मास भी हुआ, तो धर्म के काम तो पृथ्वी पर हर दिन हम लोग करते हैं। मुझे हर आदमी को करते रहना चाहिए। सुख समृद्धि शांति के लिए एक अच्छा वातावरण अच्छे विचार मन में है। अगर धर्म के प्रति हम जिस धर्म में पैदा हुए हैं तो धर्म के प्रति हर व्यक्ति को इसमें आस्था रखती है, अपना काम करना चाहिए। देखिए हमारे साथ तेंदुखेड़ा विधायक जो कि 1 करोड़ कुमकुम अर्चन के आयोजक भी हैं, जिन्होंने बताया कि क्षेत्र की सुख समृद्धि एवं मनोरथ के लिए यह आयोजन किया जा रहा है।